लव कटारिया ने अरमान मलिक को भैया तगड़ा वाला रोस्ट कर दिया कि खाने में रोटी कच्ची क्यों है, निकालने में पोटी बची क्यों है। जी हाँ, घर में एक रोस्ट टास्क हो रहा है जिसको लेकर भैया मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर किस किस को यहाँ पर कटारिया ने रोस्ट किया है, अरमान मलिक ने किसको रोस्ट किया है वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले वो साई को रोस्ट करते हैं और बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट इतना है जितना हमारे पास दूध था। ये है वो साई के लिए बोलते हैं सबसे पहले कि भैया घर में उनका इतना इन्वॉल्वमेंट है जितना हमारे पास दूध था, क्योंकि इस बार इनके पास दूध भी नहीं था ना, क्योंकि कल जो टास्क होता है उसमें साई केतन ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की और वो बोलते हैं कि उनसे अच्छी परफॉर्मेंस तो मक्खी और मच्छर कर रहे थे, वहाँ पर उड़कर कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो ये चीज़ देखकर सभी हंसते हैं और इसके साथ साथ वो बोलते हैं भाई बाहर जाकर इनको शायद बाउंसर लगना है, इस तरह से इन्होंने जिम करी है, लगता है बाहर जाकर इनको बाउंसर लगना है। तो भैया साई केतन को इस तरह से वो रोस्ट करते हैं। इसके बाद वो अरमान को करते हैं कि अरमान मलिक की दो वाइफ हैं, एक तो चली गई है पायल मलिक, लेकिन घर में अभी भी दो हैं, एक कृतिका दूसरा साई, और सभी हंसने लग जाते हैं। इसके साथ वो बोलते हैं कि लोग ट्रॉफी जीतने आए हैं, लेकिन भैया यहाँ पर अरमान मलिक है वो नॉमिनेशन जीत के जा रहा है। और इसके साथ वो बोलते हैं कि भैया जो इन्होंने जर्नी की है, इनकी जर्नी जलेबी तक की तरह है कि भैया घूम फिर कर वहीं पर आते हैं, इनकी बातें भी वैसी रही है और खाने में रोटी कच्ची, और वो मैंने आपको बता दिया है कि भैया ये है, बोलकर सबको वो हंसा देते हैं। इसके बाद वो रणवीर को रोस्ट करते और बोलते हैं कि रणवीर इंटेलिजेंट है लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में, भाई साहब सभी हंसने लग जाते हैं। और वो बोलते हैं कि कभी कभी मुझे झाड़ू ना मिले ना तो मुझे रणवीर की दाढ़ी है वो नज़र आती है और मेरा मन करता है कि भैया इससे मैं झाड़ू लगा लूँ, इस तरह का बोलते हुए नजर आते हैं, सभी शोक होते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ साथ वो बोलते हैं कि रणवीर की शक्ल ध्यान से देखो, शक्ल से ये चोर लगते हैं, और चोर लगते मतलब कि ये अंडा चुराते रहते हैं, अंडों की चोरी करते रहते हैं। तो इस तरह से वो रणवीर की करती है, तीन तीन चार चार पॉइंट ही है सबके। इसके बाद वो नेजी पर आते, बोलते कि नेजी घर में सबसे लेजी है, और इसके साथ साथ वो बोलते कि नेजी की पूरी जर्नी है इस घर में वो स्लोमो है, वो हर जगह स्लो स्लो चलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि भैया स्लोमो जैसे रील्स होती है वैसा कुछ चल रहा है। और इसके साथ वो बोलते हैं कि सना मकबूल है, उसके साथ उसकी थोड़ा सा वो तेज हो जाते हैं जब उससे बात करते हैं, लेकिन वैसे वो स्लोमो चल रहे हैं। तो ये है वो तीन चार लोगों का करते हैं रोस्ट, और इसके साथ बाकी लोगों का भी रोस्ट करते हैं, लेकिन मैंने जो आपको मेन बता दिए हैं, कृतिका का भी वो करते हैं। कृतिका के लिए वो बोलते हैं कि कृतिका के इतने घर में कपड़े हैं कि भैया जो घर में कारपेट है ठीक है उनको हटा दो, कपड़े बिछा दोगे भैया पूरा घर है वो कहीं ना कहीं कपड़ों से भिज जाएगा। और वो बोलते हैं कि देखो कृतिका है वो हमेशा पूरी जर्नी में बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, बस यही करते रहे, क्योंकि भैया वो कपड़े चेंज करना बस उसको यही उसने घर में काम किया है, और वो कहीं ना कहीं बोलती भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं वो बोलते हुए नजर आते हैं। मकबूल के लिए वो थोड़ा सा कुछ ऐसा बोलते हैं जिसे म्यूट कर दिया जाता है, लेकिन सभी हंसते हैं। रणवीर है वो शोक हो जाता है, पता नहीं मेंढक कुछ ऐसा बोला, पता नहीं कैसा कि इसको देखो ये मेंढक जैसी लग रही है, कुछ ऐसा ही बोला था, बाकी देख पाएंगे एपिसोड में, लेकिन बड़ा मजेदार एपिसोड है। अरमान ने क्या किया है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ, मिलते हैं कुछ ही देर में।